धन्यवाद 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 करते मेरे प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के प्रभु, दाऊद के प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा, आपके प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपके जय जयकार करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, आइए आज के शाम के वक्त में हम सब मिलकर एक मन होकर, एक आत्मा होकर परमेश्वर से दुआ करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम लोग एक मन होकर, दो या तीन लोग मेरे नाम से उपस्थित हो और एक मन होकर प्रार्थना करें, तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा जो तुम मांगोगे। पिता परमेश्वर आज आपको वही चीजें देंगे। यदि आज हम लोग एक मन होकर, एक आत्मा होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमें वो चीज़ें देंगी जो आज हमको चाहिए। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में वो छुटकारा हो सकता है, वो चंगाई हो सकता है जो उनको चाहिए। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जे हैं, बीमारियां हैं, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत तरह के संघर्ष है। आज उन चीज़ों से वो निकलना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग बेविचार से आज़ाद होना चाहते हैं। उनके घरों में लड़ाई झगड़े होती है, उन चीज़ों से वो आज़ाद होना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके पापा, उनके भाई, उनके मम्मी, बहन, हर एक लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नशों में पड़े हुए होंगे। आज वो आज़ाद होना चाहते हैं, आज वो चाहते हैं कि हमारे घर में शांति आए, वो छुटकारा, वो चंगाई आए। आज प्रभु आपको आज़ाद करेगा, आज प्रभु आपको चंगा करेगा, आज प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा, हर एक नशों से आज़ाद करेगा, व्यविचार से आज़ाद करेगा, वो गलत संगति से आज़ाद करेगा। आज आपके जीवन में वैसे दोस्त हो सकते हैं जो आपको आगे चलकर बुराइयों में लेके जाएंगी। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन से वैसे लोगों को निकाल दे। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में आपको छुपा के रखे, आपको अपने अधीन में रखे, ताकि आप उनके अधीनगी में चले। जब आप उनके अधीनगी में चलेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, तो वो पवित्र आत्मा आएगा आपके जीवन में, आपके बंधनों को तोड़ने, आपको आज़ाद करने। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। यदि आज आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपके माता पिता आपके कहने नहीं मानते, आपकी बहन आपसे नाराज है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। यदि आज आप पवित्रताई में चलने की सोच लेते हैं, आप पवित्रताई में चलते हैं, तो वो पवित्र आत्मा आएगा, हर एक लोगों को मिलाएगा और हर एक बंधन को तोड़ेगा और आपको हर एक चीजों से स्वतंत्र करेगा। तो आइए आज के इस शाम के वक्त में हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगेंगे, उस आत्मा को जो सत्य का आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, उन होली स्पिरिट को, उस दूत को, प्रभु के सहायक को हम अपने जीवन में मांगेंगे। वो हमारा सहायक है। प्रभु यीशु ने बोला है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सहायक पवित्र आत्मा है। आइए सब लोग एक मन होकर उस पवित्र आत्मा को मांगेंगे। जब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे, आपके परिवारों में छुटकारा देखने को मिलेगा, सालों साल पुराना रोग दूर होते हुए दिखाई देगा, वो बंधन आज आपके परिवार से टूटेगा। तो आइए सब लोग मिलकर आंखों को बंद कर उस महान परमेश्वर की तारीफ करें, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिन्होंने समुद्रों को बनाया और उसमें रहने वाले हर एक चीजों को बनाया, जिन्होंने पेड़ और पक्षियों को बनाया, जिन्होंने आकाश में रहने वाले हर एक उन तारागणों को, ग्रहों को, हर एक उन चीजों को बनाया, सूर्य चंद्रमा तारे को बनाया, हर एक चीजों को बनाया। आइए आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हाथों को उठाकर अपने मन को शुद्ध करके, अपने आत्मा से भर के परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस महान सामर्थी पिता परमेश्वर जो सब कुछ देने की सामर्थ्य शक्ति रखता है, उस यहोवा परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। वो आज आपके परिवार से, आपके मम्मी पापा को दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करेगा, आपके बच्चों को आज़ाद करेगा, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। आज आपको प्रार्थना में मन लगेगा, आज आप उपवास कर पाएंगे। यदि आज आप इस प्रार्थना को सुनते हैं, तो आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने परिवार में इस बदलाव को देखेंगे, महसूस करेंगे अपने जीवन में। तो आइए सब लोग मिलकर
प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, तू महान है मेरे प्रभु यीशु, तू पवित्र है मेरे प्रभु यीशु, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है खुदावन यीशु नासरी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, जो आपके सम्मुख आता है मेरे खुदावन यीशु, वो कभी नाराज नहीं होता, वो कभी निराश नहीं होता पिता परमेश्वर, उनका मुंह कभी काला नहीं होता यहोवा परमेश्वर। प्रभु यीशु तो आज के इस शाम के वक्त में हम सारे भाई बहनों पर, माता पिता भाई बहन पर तू दया कर यीशु, हर एक बच्चों के ऊपर तू दया कर। आज जितने लोग प्रभु यीशु इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे खुदावन यीशु, हम उन सारे भाई बहनों को, उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे यीशु, आपके पवित्र लहू में देते हैं खुदावन यीशु, आपके उस पवित्र लहू से भिंगोते हैं यीशु, आपके पंखों की आड़ में देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तू हर एक लोगों को यीशु अपने पवित्र उपस्थिति में लेके चल। पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की तारीफ करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारी सहायता कर। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इब्राहिम इसहाक याकूब के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने लाल समुद्र को मेरे पिता परमेश्वर दो भागों में विभाजित किया। पिता परमेश्वर आपके सामने कोई भी चीज, चाहे वो समुद्र हो, वो तूफान हो प्रभु यीशु, आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। चाहे वो बीमारी हो, महामारी हो, कर्ज हो यीशु, वो आपके सामने कोई नहीं टिक सकता यीशु। आज हम विश्वास करते हैं यीशु, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे खुदावन प्रभु यीशु नासरी, आज वो आजाद हो रहे हैं, आज वो अपने कर्जों से आजाद हो रहे हैं। जो लोग आमीन बोलकर इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज वो आजाद हो रहे हैं। आप लोग आमीन बोलकर प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु यीशु, आज हर एक लोग उन व्यभिचार की आत्मा से आजाद हो जाए। आज हर एक लोग प्रभु जी गंदे विचार वाले, जो उनके मन में गंदे विचार को देती, उन आत्मा से आज आजाद हो जाए। आज हर एक वो आलस की आत्मा, स्वार्थी की आत्मा, घमंड की आत्मा हर एक लोगों के जीवन से निकल जाए। आज हर एक बच्चे के जीवन से, आज हर एक बच्चे के जीवन से वो कमियां, वो जरूरतें जो प्रवेश मसीह चाहता है उसके अंदर है, वो आत्मविश्वास हो सकता है, वो धैर्य हो सकता है, वो अल्प विश्वास, चाहे कुछ भी चीज की कमी हो, आज वो उनके जीवन में पूरी हो जाए। आज उनके जीवन में वो विश्वास आए, वो आज्ञाकारिता आए, वो ईमानदारी आए प्रभु यीशु आपके नाम से। प्रभु यीशु आज हर एक लोग आपके उस पावर को, आपके उस मशा को, आपके उस सामर्थ को रिसीव कर रहे हैं यीशु, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज जितने लोग प्रभु जी सालों सालों से पिता परमेश्वर अपने बीमारियों में पड़े हुए, उनके बॉडी में पेन है मेरे पिता परमेश्वर, आज उनके कमर में प्रभु जी दर्द है मेरे खुदावन खुदा पिता। आज जिनके प्रभु जी गिल्टियां हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके अपेंटिस है मेरे खुदावन खुदा, जिनके आज कैंसर है मेरे खुदावन यीशु, आज वो लोग आजाद हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम से। यीशु आपने बोला है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। पिता परमेश्वर आज जो लोग प्रभु जी आप पे विश्वास करें और वो विश्वास कर रहे कि वे आजाद हो रहे, आज वो आजाद हो जाए। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी जा और उन्हें छू, उन्हें आजाद कर, उनके बंधनों को तोड़ दे, कर्ज के बंधनों को, व्यभिचार के बंधनों को, उनके पति के जीवन में या किसी के घर में, किसी के पापा के जीवन में, किसी के पत्नी के जीवन में जो भी नशे है पिता, आज तो उनके जीवन से आजाद कर पिता, आज तो उन्हें स्वतंत्र कर, उन्हें छुटकारा दे हर एक नशों से, हर एक वो बात ना मानने वाली ना समझ दुष्ट आत्मा से उन्हें आजाद करे यीशु, आज तो उन्हें आजाद कर। हम आपसे विनती करते हैं और आज के इस रात में हम हर एक लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, उनके रिश्तेदारों को प्रभु यीशु आपके लहू में देते हैं। पवित्र आत्मा जी जा और उनकी सहायता कर, उनके घरों के ऊपर अपना बाड़ा लगा और आज के इस रात में हर एक महामारियों से, दुष्ट आत्माओं से तो उनकी रक्षा कर, तो उन्हें बचा के सुरक्षित और जीवित रख, फिर से नया दिन दिखा। हम प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन।